Assalamualaikum and welcome back to my channel Recipes by Noor। तो आज हमारी किचन बहुत ही खासी रेसिपी बनने जा रही है जो कि आपने पूरी देखनी है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड राइस विद तंदूरी चिकन। तो सबसे पहले चिकन पीसेस पर इस तरह से डीप कट्स लगा देने हैं। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 किलो चिकन है, इसमें मैं 1/2 कप ऑयल शामिल कर दूंगी और उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर और साथ ही साथ 1 पैकेट तंदूरी मसाले का शामिल कर देंगे। हसबे ज़रूरत नमक शामिल करने के बाद हाथों से अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और कम से कम आधे घंटे के लिए रख देना है। तो चिकन मैरिनेट होने तक चावल तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैंने ऑयल शामिल कर दिया 1/3 कप और इसमें मैं 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला शामिल कर दूंगी। इसी के साथ साथ इसमें 2 बड़ी प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि वो मज़ीद कलर चेंज ना करें और इसके बाद हमने इसमें टमाटर 3 से 4 बिल्कुल बारीक कटे हुए शामिल कर देने हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची शामिल कर देंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। साथ ही साथ हद पे ज़रूरत नमक शामिल कर देना है और मसाले को अच्छे से भून लेना है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/4 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करके मसाले को भूनते जाना है। तो जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगेगा चावल शामिल कर देंगे। हम मेरे पास 3 ग्लास चावल है जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, इन्हें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पानी शामिल कर देंगे, यहाँ मैं 4 ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ। ये टिप आपने हमेशा याद रखनी है कि जितने ग्लास चावल होंगे उससे 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी शामिल करना है हमेशा। तो मीडियम फ्लेम पर कवर करके रख दें जब तक कि पानी आधा खुश्क नहीं हो जाता। इसके बाद 1 चिकन क्यूब शामिल कर देंगे और इसके बाद इन्हें तब तक पकाते जाना है जब तक कि पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता, चावल तकरीबन 80% तक पक नहीं जाते। तो चावल बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो चिकन मैरिनेट हो चुका है, इसको इस तरह से कवर करके मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ मैं दोनों साथ साथ तैयार कर रही हूँ, तो 20 मिनट के बाद आपने इसको एक दफ़ा चेक कर लेना है, मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको दोबारा कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है जब तक चिकन तकरीबन पक नहीं जाता। तो 10 मिनट बाद चिकन को आपने इस तरह से चेक कर लेना है और इसको रख देंगे साइड पर। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया, इसमें मैं फ्राइंग के मुताबिक ऑयल शामिल कर दूंगी और चिकन पीसेस 1 बाय 1 शामिल करते जाएंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो 20 मिनट बाद चावल दम हो चुके हैं, रिजल्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। पहले तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं, साथ ही साथ चिकन भी फ्राई हो चुका है। तो अब बारी आती है असेंबलिंग की। गर्मा गर्म आपने फ्राइड राइस विद तंदूरी चिकन सर्व करना है अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। एंजॉय करें, ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।